निकल आया है और हम भी निकल गए हैं। गांव के बीच में जाते जाते ना ये सब दुकान जो हॉर्न मारने के लिए, नजारे देखिए यार। सीधा जाऊंगा तो शिरडी, इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र के लोनार और छत्रपति संभाजी नगर जैसे खूबसूरत जगहों पर विजिट करूंगा। और इसके अलावा हमें कुछ छोटे फैंस भी देखने आए थे, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट जब कभी भी मेरा नया वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं बता दूं आपको, मैंने अपना राइड स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM को, और अपने सारे फ्रेंड्स को मिलने के बाद हमने अपना राइडिंग जो है वो स्टार्ट किया लोनार के लिए। सो फिलहाल तो मैं चल रहा हूँ, बट रोड के वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यार, सच बताता हूँ एकदम। मतलब ये देखिए ना, रोड देखिए, साइड में भी अगर अंधेरे में कोई आएगा, ये देखिए कॉर्नर पे जाएगा नहीं कोई भी, लेकिन बीच रास्ते के बीचों बीच जो इतने बड़े बड़े खड्डे आ जाते हैं कि बाइक तो चलो ठीक है, कार अगर जाएगा तो बोलो क्या है मतलब यार। एनीवे गांव के बीच में जाते जाते ना ये सब दुकानें और ये बाजू में देखिए लेक वगैरह देख के बहुत मस्त लगता है ना। तो दिन निकल आया है और हम भी निकल गए हैं, निकल चुके हैं। तो धीरे धीरे जो है अभी सूरज देवता वहां से निकलने वाले हैं। टोटल 467 किलोमीटर का डिस्टेंस था और एज पर गूगल मैप हमें 9 hours 27 minutes में पहुंचने को बता रहा था। गोरबंदर रोड में बहुत ट्रैफिक होने के कारण हमने अपना रूट चेंज किया और हमने वज्रेश्वरी का रूट लिया। बट सच बता दूं, वज्रेश्वरी का रोड कुछ पैचेस बहुत ही खराब थे। अरे बीच बीच में ना ये डॉगी लोग बीच में बैठे रहते हैं। अभी एक झुंड पूरा बैठा हुआ था, मैं सोचा हॉर्न मारने के लिए, बट मैं बोला जाने दो, बैठे है, सुबह का वक्त है, बैठ के गपशप मार रहे, शायद उनके चाय नाश्ता आता होगा इसके लिए। ये बेचारा यहाँ पे अकेला खड़ा है यार, हर एक रास्ते हर एक थोड़ी थोड़ी दूर पे डॉगी लोग का पूरा झुंड दिखता है। मैंने तो भाई हॉर्न ही नहीं मारा और चुपचाप से जिग-जैग करके निकल आया। बोला भाई उनको डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं तो वो हमको डिस्टर्ब कर देंगे। एंड दिस इज ऑल माय ग्रुप पीपल, राइट नाउ आई एम ऑन नेशनल हाईवे 160 और अभी हम लोग एक हॉल्ट लेने वाले हैं और वो हॉल्ट जो है अभी 1.5 किलोमीटर अवे है। बोल भाई दी, मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि ये राइड जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट राइड है मेरे लिए एक्चुअली, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ टूडेज राइड इज टोटली फ्रॉम माई हाउस, इट इज 460 किलोमीटर ओनली टू द लोनार। मक्खन जैसे रोड के बाद उबड़ खाबड़ रोड में चलाने के लिए बॉडी के भी जो अंजर पंजर है ना वो भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। सॉरी अगर मैं पीजे मार आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो तो, क्या है ना लंबा रास्ता हो तो अपने आप को जगाने के लिए ना ये सब करना पड़ता है। ये तो वही जगह है जहां पर मैं साहिल भाई एंड दिस इज द प्लेस वेयर आई हैड टेकन अ होल्ड और हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये हमारे समीप भाई, एक्चुअली मैं इनको इतने दिन के बाद मिल रहा हूँ ना, एक्चुअली बहुत दिन के बाद अपन मिल रहे हैं, राइट? हम लोग काफी दिन के बाद ना, यस काफी टाइम, बहुत ही मजा आएगा इनके साथ। और भी कुछ हमारे फ्रेंड्स आए थे तो वहां पर इसके लिए रुके थे और अभी जो है यहाँ पर हम फ्यूल अप कर रहे हैं।
वहाँ से फिर हमने थोड़ा फ्यूल अप जो है टॉप अप करवा दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल रात को ही फ्यूल अप कर लिया था और एयर प्रेशर चेक वगैरह सब हो गया था। बिकॉज बहुत ज़रूरी है जब कभी भी आप एक लॉन्ग राइड पे निकलते हो ना, तो ये सब पहले से कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑन द गो अगर आपको करना है तो करो, अदरवाइज तो अपनी सवाना तो है ही बढ़िया। यहाँ पर हम जो है ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, सो पहुँच गए हैं। सो ब्रेकफास्ट के जहाँ पे रुके यहाँ पर अभी जो है ब्रेकफास्ट हो रहा है सबका, और ब्रेकफास्ट में है एक वड़ा और एक इडली। चलो ब्रेकफास्ट करके फिर मिलता हूँ आप लोग को। सो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया यहाँ पर, और अभी जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी कसौरा घाट आएगा। फाइनल डेस्टिनेशन जो है लोनार MTDC पहुँचने के लिए हमें 3 घंटा 40 मिनट बता रहा है। सो फार द राइड इज गोइंग वेरी गुड एंड वेरी नाइस। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ मैंने खाया नहीं, सिर्फ एक इडली और एक मेंदू वड़ा खाया, बिकॉज मुझे ना पता नहीं क्यों ट्रैवल करते वक्त ना ज़्यादा कुछ खाने का मन करता ही नहीं है। सो इसके लिए हल्का फुल्का खाना ही बेटर है, सो दैट स्टमक को भी अच्छा रहेगा और राइड में भी मज़ा आएगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने अभी इगतपुरी क्रॉस करने के बाद मागोरे करके रास्ता है, वहाँ से हम अभी जा रहे हैं। और ये नज़ारे देखिए यार, क्या ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ वॉलपेपर जैसा कुछ देख रहा हूँ मैं, पर सही में आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, बट देन रियली यार मैं देख रहा हूँ तो एकदम इतना ग्रीन है ना सब कुछ। लोनार लेक एक फेमस नेशनल ज्योग्राफिक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। ये 55,000 ईयर्स बैक एक उल्का पिंड के गिरने से बना। लोनार महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में है और बहुत ही कम टूरिस्ट इसके बारे में जानते हैं, इसके लिए बहुत कम टूरिस्ट इस जगह पे विजिट करते थे। लोनार लेक में बहुत ही एंशियंट टेम्पल्स है और उसकी काफी एंशियंट स्टोरीज भी है, और ये सारी स्टोरीज मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो हमारी राइड जो है वो सिर्फ लोनार लेक तक नहीं है, उसके बाद हम फेमस छत्रपति संभाजी नगर भी जाने वाले हैं। उसका पता नहीं क्यों देखा देखा सा लग रहा है, आई गेस बहुत साल पहले हम कहीं जा रहे थे शिरडी या फिर एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ जा रहे थे, बट ये रास्ता ना जाना पहचाना सा लग रहा है, ये सेम रूट से अभी हम जा रहे हैं। तो सीधा जाऊंगा तो शिरडी और राइट जाऊंगा तो हमारा डेस्टिनेशन। यार ये रास्ता देख के ना शिरडी की याद आ गई पूरा, और क्या रास्ता बना दिया यार, मस्त बना दिया रोड एकदम। कई साल पहले हम आए थे तो बन रहा था, आई गेस कोविड के टाइम पे एक बार तभी सब थोड़ा बहुत जो खुला हुआ था तभी हम आए थे, तो तभी रास्ता बन रहा था और अभी मस्त हो गया रास्ता एकदम। आएंगे वापस एक बार फैमिली के साथ ही आएंगे। So, अभी एक जगह हम रुके हैं, यहाँ पर हॉल्ट लिया है सब जने, और मेरे साथ आज एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया जो मैं अभी नहीं बाद में बताऊंगा। सो राइडिंग गियर तो पहना हुआ हूँ, बैग भी लिया हूँ, अब दूसरे के सहारे चल रहा हूँ राइड के लिए। ओके, यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करके एक बात बताना चाहूंगा, मैप के मिसलीडिंग की वजह से इतना लेट हो गया कि बहुत अंधेरा हो चुका था। हमें पहुंचना था 9 घंटे 27 मिनट्स के अंदर, और यानी कि अप्रोक्सीमेटली सारे ब्रेक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7 या 8 बजे तक, क्योंकि सवाना को पता नहीं क्या हो गया था, वो राइड करते करते वॉबलिंग होने लगी, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, एंड जिसके वजह से मुझे बाइक को जो है एक जगह पेट्रोल पंप पे छोड़ना पड़ा। वैसे छोड़ने का मन था नहीं, बिकॉज मैं कभी भी मेरे सवाना को कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ा हूँ, इनफैक्ट हमेशा साथ में और हमेशा केयर लेता हूँ उसका। छोड़ना इसके लिए पड़ा क्योंकि अगर मैं नहीं छोड़ता तो एक तो पिच डार्क रोड, कुछ भी आगे नहीं दिख रहा है, ओके स्ट्रीट फॉग लैम्प है हमारा, सब कुछ है, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था, जिसके वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सवाना को एक पेट्रोल पंप पर, और नेक्स्ट डे जो है मैं चेक करूंगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद मैं राइड
कंटिन्यू करूंगा। इस अंधेरे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था जो हमें वहां पर पहुंचने के बाद पता चला, और वो था नील गाय जो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। बट फॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिला, अदरवाइज वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो, मैंने सुना था वहां पर कि वो एक टेम्पो को अपने जो है अग्रेसिवनेस से पुश कर करके जब तक वो गिरता नहीं है उसको वो गिरा डालते हैं। सारी जितनी भी जो बाइक्स है वो सब यहाँ पर पार्क हो गई है। अब रात के 11:30 बज चुके हैं और हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। जो इस बार राइड में बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ा, बट एनी हाउ जो है पार्क कर दिया है और अभी हम जो है लोनार MTDC में रुके हुए हैं। आवाज़ भी जो है मेरी काफ़ी एकदम ख़राब सी हो गई है। लेट्स सी, आई होप माय फिंगर्स क्रॉस। एनी हाउ आई नीड टू चेक व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इशू ऑन द बाइक एंड देन आई कैन डिसाइड फर्दर व्हाट आई कैन डू। फाइनली हम लोनार लेक के पास में आ गए। अभी है टाइम है क्या, 60 मीटर लंबा और 2 मिलियन टन वेट वाला यहाँ पर मीटर गिरा कि लोनार को एक लवनास नाम का राक्षस रहता था, उसका वध यहाँ पर विष्णु भगवान ने किया था बाल रूप लेकर छोटे बच्चे का। उसका वरदान था कि वो बड़े इंसान के हाथ से उसका वध होना नहीं चाहिए।